नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम। आरबी के लिए जो सीरीज चल रहा है गाइस, बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स इंक्लूडेड है, प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे। अगर आपने LLB का एग्जाम दिया हो तो आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है इसके बाहर से नहीं आ रहे गाइस, थोड़ा समझ लो। और सबसे हमेशा मैं जोर देता हूँ, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम के जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे, फिर और दो वीडियो में हम लोग सम्स कर लेंगे, तो आपका तीन वीडियो में नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, समझो नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर्स लेके जो है, जो हम लोग का खेल है सभी नंबर्स का, तो उसी को जो है नंबर सिस्टम में हम लोग को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। जैसे सबसे पहले क्या होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कुछ नहीं, आप 1, 2, 3, 4 करते गिनते जाओ, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। उसका डिनोशन n होता है। अब आता है होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में 0 था, 0 नहीं था, तब देखो नेचुरल नंबर क्या है, 0 को छोड़ के, ठीक है, जो काउंटिंग, 0 तो काउंटिंग के लिए नहीं आता है, नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग के लिए आता है, ठीक है, तो वो हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। 0 को इंक्लूड करना है नेचुरल नंबर में, तब जाके वो होल नंबर हो जाएगा। तो उसका डिनोशन क्या है, W। तो 0 से लेके नेचुरल नंबर के साथ खाली 0 लगा दो तो वो होल नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर अदर देन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर एक छोड़ के, एक नहीं होता प्राइम नंबर, कोई भी नंबर एक छोड़ के जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, मतलब सिंपल वो सब मत रखो, कोई नंबर से डिवाइड ना हो, अब ये याद रख लो। प्राइम नंबर मतलब कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, और एक चीज़ है, ये नोट याद रखो, अगर आपको टेस्ट करना है वेदर एनी नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है, ये आपको टेस्ट जैसे आपको दे देता है एग्जाम में, भैया बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, टेक एन इंटीजर लार्जर देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सपोज आपको बताया है 219 बताया है, ठीक है, तो 219 है कि नहीं आपको बताओ, जो भैया 219 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, एक लार्जर इंटीजर लार्जर देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आपका लेना है, ठीक है। तो सपोज इसका क्या होगा, अगर स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर मतलब 225, इससे हम लोग मान लेते हैं इसका बड़ा नंबर क्या है 225, उसका स्क्वायर रूट क्या आता है 25, ठीक है। अब देखो 25 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है, अब टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिविंग नंबर ऑफ बाई एवरी ए प्राइम नंबर लेस देन एक्स, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ देम देन इट इज प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर अदर देन प्राइम नंबर। अब क्या ये जो 25 आया, आपको क्या करना है, बाई एवरी अ प्राइम नंबर, 25 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 सभी से डिवाइड करो, ठीक है, सभी से जो है नंबर को डिवाइड करो, अगर वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, वो मतलब ये 2, 3, 5, 7 इसका जो सभी है 25 तक जो आपके प्राइम नंबर्स है, तो 219 को आप डिवाइड करो, 219 अगर ये सभी से अगर कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो दैट्स अ प्राइम नंबर। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन ये ही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 219 करना है तो आप इसके नज़दीक जो एक प्राइम नंबर ढूंढो, मतलब एक नंबर स्क्वायर नंबर ढूंढो, तो इसका क्या है 225, तो 25 होता है, 25 के नीचे से जो भी नंबर है उसको लिख लो, उसको लिख के एक एक करके 219 से डिवाइड करके देखो, अगर कोई भी नंबर डिवाइड चला जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होता है, एकदम क्लियर कट रख लो। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, अ नंबर अदर देन वन, ये भी अदर देन वन व्हिच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर छोड़ के, एक तो प्राइम नंबर है और बाकी जो प्राइम नंबर नहीं है उसको कंपोजिट नंबर हम लोग कहते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो इवन नंबर 2, 4, 6 और 2 से ना हो 3, 5, 7, 9, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर, ये बहुत एग्जाम में कभी कभी लगता है हम लोग को, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब अ सीरीज ऑफ नंबर इन व्हिच इज ग्रेटर देन व्हिच इज प्रीसेड बाय 1 कंसेक्यूटिव, जैसे 6, 7, 8 सभी देखो एक एक भर के हैं, 13, 14, 15 एक एक भर के हैं, 1, 2, 3 है, 41, 42, 43 सभी एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर कहेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर व्हिच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। आपका होल नंबर भी है, होल नंबर मतलब 0 भी आएगा, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0 मतलब होल नंबर वो भी आएगा, एंड नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, उसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपका फ्रैक्शन में लिखा जा सके, व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन फ्रैक्शन दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, उसका डिनोशन क्या होता है क्यू। अगर नहीं लिख सकते हम लोग, अगर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो ये रैशनल हो जाएगा, जैसे √3, √2 ये फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं।
रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दोनों रैशनल और इरेशनल को ऐड कर दो, दोनों को एक साथ लिखो तो रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग ऑलरेडी जो है इसमें हम लोग बॉडमस अलग से एक करके रखे हैं। तो बॉडमस का क्या होता है, रूल क्या होगा, पहले आपका वेनिकुलम मतलब जैसे 5 - 4 माथा में, ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट करना है, ठीक है, ब्रैकेट में भी ये फॉलो करना है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट ये फॉलो करके आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ये आपको फॉलो करना है। तो ये रूल फॉलो करोगे तो सिंप्लीफिकेशन आएगा, नहीं तो रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय कांस्टेंट वैल्यू द लास्ट फ्रैक्शन इज बिगर। ये तो चलो एक नोट से, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, सपोज देखो 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है, ये आपका है। तो देखो ऊपर में भी कांस्टेंट एक एक करके बढ़ा, नीचे में कांस्टेंट एक एक बढ़ का, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा दैट वुड बी द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। चलो और कुछ फार्मूला कर लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए, बोलो तो सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए बोला, नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन बाई टू। फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद रखो, ऑड नंबर उसका एन स्क्वायर कर दो, इवन नंबर एन एन प्लस वन कर दो, ठीक है, एकदम नॉर्मल याद रखो। अब अगर बोले सम ऑफ स्क्वायर बोला है, देखो अभी स्क्वायर और ये क्यूब, स्क्वायर बोला तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और क्यूब का एन एन प्लस वन का टू, ये इसका जस्ट स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा ये जो नंबर है, हम लोग नंबर जो निकाले हैं एन एन प्लस वन बाई टू, इसका स्क्वायर कर दोगे तो उसका क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से याद रख लो। अच्छा ये एक फंडा है, ज़रूर याद रखना, फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 का फर्स्ट 100 मल्टीपल्स करोगे एक ही साथ करोगे तो 122 जीरो आएंगे, याद रख लो। 10 का 100 मल्टीपल्स करोगे, फर्स्ट 100 मल्टीपल्स करोगे तो 122 जीरोस आएंगे, ठीक है। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू 100 आर डिविजिबल बाई 6, वी हैव टू डिवाइड 100। देखो एक कभी कभी दे देता है, बताओ तो 100 अप टू 100 में कौन सा नंबर 6 से जाएगा, तो क्या करना होता है, जस्ट 6 का मल्टीपल करो। तो देखो 6 × 16 प्लस 4 96 हो रहा है, मतलब ये 16 नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो गाइस ये था एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ज़रूर देख लो इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोग जो दो चैप्टर्स दो और एक वीडियो में करेंगे उसमें सम्स करेंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले देख लेना। तो चलो गाइस, अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।